नमस्कार, मैं अलना खान, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि इंडस न्यूज 24x7 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तुर्की में भूकंप के लगातार दो झटके। पश्चिमी तुर्की में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल से लगभग 210 किलोमीटर दूर आए, लेकिन झटके इस्तांबुल और राजधानी अंकारा तक महसूस करने की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप से होने वाले नुकसान की अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। भूकंप को रिक्टर स्केल पर 6.0 तीव्रता वाला बताया गया है। पहले झटकों के थोड़ी देर बाद एक और छोटा झटका महसूस किया गया है। महाराष्ट्र में नासिक के पास 3.6 तीव्रता का भूकंप। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया, बुधवार सुबह महाराष्ट्र में नासिक के पास रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। एनसीएस के मुताबिक नासिक से 89 किलोमीटर पश्चिम में सुबह करीब 4 बजे पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल महसूस की गई। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। हरियाणा की महिला ने 3 बच्चों के साथ लगाई पानी की टंकी में छलांग। पुलिस ने कहा कि हरियाणा के एक गाँव में एक महिला ने मंगलवार को अपने 3 बच्चों के साथ पानी की टंकी में छलांग लगा दी, जिससे तीनों बच्चों की मौत हो गई। महिला की जान बचाई गई है, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। पुलिस ने बताया कि बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी महिला उनके घर पहुंची और उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। हमने महिला के पति मोहम्मद आरिफ की शिकायत पर मामला दर्ज कर आज देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया। यूपी अस्पताल के डॉक्टरों ने HIV+ महिला को छूने से किया इनकार, उसने खोया बच्चा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक HIV पॉजिटिव महिला ने अपने बच्चे को खो दिया, क्योंकि एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे प्रसव पीड़ा के बाद कई घंटों तक छूने से मना कर दिया और जन्म के कुछ घंटे बाद ही बच्चे की मौत हो गई। नशे के लिए पैसे नहीं दिए तो परिवार की चाकू से गोदकर हत्या। दिल्ली के पालम इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी केशव को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक नशे का आदी है और वो इसके लिए परिजनों से पैसे मांग रहा था। मना करने पर उसने अपने माँ बाप, दादी और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा? कोई सुझाव और प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डेलीमोशन पर भी फॉलो करें और इंडस न्यूज के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।